दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरएनए रियल न्यूज एनालिसिस। वाल्मीकि रामायण में शादी के समय भगवान राम की उम्र क्या थी, सीता जी की उम्र क्या थी, ये आप रामायण में वाल्मीकि रामायण में पढ़ सकते हैं। उस दौर में जो उम्र बताई गई है वो आज के लिहाज से बहुत कम महसूस होती है, बहुत कम लगती है। इसी तरह से पैगंबर की शादी के समय उनकी एक पत्नी की उम्र को लेकर भी विवाद किया जा रहा है। मगर ये सारा विवाद खड़ा करने से पहले हम ये तो समझ लें कि उस समय में वर्ष कितने काल का था, वर्ष कितने दिन का था, और आज जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें वर्ष क्या है। अगर हम आज के कैलेंडर के हिसाब से उस काल को नापेंगे तो निसंदेह हम बहुत बड़ी गलती करेंगे और विवाद पैदा करेंगे। आज जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है, वो असल में अंग्रेजी कैलेंडर है जिसे जूलियस सीजर ने शुरू किया था। सीजर ने जिस वक्त इसे शुरू किया था तब इसमें सिर्फ 10 ही महीने थे, 2 महीने भी इसमें बाद में जोड़े गए हैं ताकि सूर्य कैलेंडर के हिसाब से ये सही बैठे। मगर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये अंग्रेजी कैलेंडर पिछले 200 सालों में ही दुनिया में स्वीकृत हुआ है, भले ये 2200 साल से मौजूद है। शुरुआत में इसका प्रभाव यूरोप के कुछ हिस्से तक था, ये वहाँ स्वीकृत था, और उससे पहले के जो कैलेंडर हैं उनमें जो भारतीय कैलेंडर हैं वो भी पूरी तरह से भिन्न थे। शक संवत और विक्रमी संवत कहते हैं, वो आज भी प्रचलित हैं हमारे यहाँ काफ़ी हिस्सों में, और धार्मिक अनुष्ठान उन्हीं के हिसाब से हमारे तीर्थ त्यौहार होते हैं। तो इस तरह से 2 तरह के कैलेंडर प्रचलित हैं, एक चंद्र आधारित हैं और दूसरे सूर्य आधारित हैं। मगर हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो काल मापने की जो विधि मिलती है वो ये स्पष्ट संकेत करती है कि उस वक्त का जो वर्ष था वो हमारे कई वर्ष के बराबर था, और वो कम से कम 3 से 5 साल के बराबर का एक वर्ष संभव है। इस तरह के संकेत हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। जो चंद्रमास माना गया वो चंद्रमा के 27 नक्षत्रों से माना गया है, और जबकि जो टोटल नक्षत्र गणना है वो 88 के करीब है। तो इस तरह से अगर 88 नक्षत्र के काल को माना जाए तो जितना समय यानी 27 दिन का जो समय चंद्रमा को लगता है 27 नक्षत्र से गुजरने में, तो 88 नक्षत्र का अगर महीना माना जाए, मास माना जाए, तो जाहिर है कि वो महीना भी हमसे बड़ा हो जाएगा और वो साल भी हमसे बड़ा हो जाएगा। तो हम कुछ प्राचीन काल गणनाओं का हिसाब देखते हैं कि वो क्या है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। सबसे पहले तो मैं श्रीमद् भगवद गीता की एक श्लोक को यहाँ पर रखना चाहूँगा। सहस्र युग अहर पद ब्राह्मण विदु, अर्थात ब्रह्मा का एक दिवस 1000 महायुग के बराबर होता है। यानी कि ये पंक्ति बता रही है कि जो वर्ष हैं वो सबके लिए अलग अलग हैं, दिन भी सबके लिए अलग अलग हैं। जो ब्रह्मा का एक दिन है वह 1000 महायुग के बराबर है। और महायुग क्या है, महायुग के बारे में जानेंगे कि महायुग क्या है। 12,000 दिव्य वर्ष का एक महायुग माना जाता है, और मानव का एक वर्ष एक दिव्य दिवस माना जाता है। तो इस तरह से ब्रह्मा के लिए वर्ष अलग है। अब वो ब्रह्मा वाला जो लोक है, ब्रह्मलोक, क्या वो धरती पर है या कहीं और लोक है, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। तो जो ब्रह्मलोक का एक दिन है वो 1000 महायुग के बराबर है, और जो एक महायुग है वो 1000 दिव्य वर्षों के बराबर है, और जो एक दिव्य दिवस है वो मनुष्य के एक वर्ष के बराबर है। तो मनुष्य दिव्य और महायुग और ब्रह्मा का जो
समय है, काल है, काल गणना है, उनके लिए अलग अलग हैं, ये हमारे प्राचीन ग्रंथ भी बताते हैं। तो राम, चूँकि भगवान राम खुद देवता थे, मानव शरीर के साथ आए थे, तो उस काल में, उस समय में किस तरह की काल गणना थी, हमें किसी विवाद में पढ़ने से पहले उसे बारीकी से समझना चाहिए। और वो काल गणना समुदाय में, जनता के बीच उसी तरह से हजारों वर्ष तक चलती रही। वो पैरामीटर ये नहीं थे वो ईसा के 500 साल तक या 1000 साल तक भी, जो कि हम आज देख रहे हैं। हम अगर आज वाले कैलेंडर को सच मानते हैं तो ये आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले या 300 साल पहले भारत में भी सच नहीं था। भारत के अपने काल गणना, अपने कैलेंडर थे। अब हम इस काल गणना को समझने के लिए कि शुरू में क्या हो सकती है, तो हमें दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ का सहारा लेना चाहिए। ऋग्वेद भी इस विषय में कुछ बताता है। ऋग्वेद के पहले मंडल में ही एक ऋचा है जिसमें कहा गया है कि समय जो है एक पहिए की तरह है जिसके 12 हिस्से हैं और उसमें 360 तीलियां हैं। माना जाता है कि ये सौर कैलेंडर की अवधारणा है, यानी ऋग्वेद में सौर कैलेंडर की अवधारणा है। मगर क्या ये जो एक वर्ष के लिए है या उस समय का जो काल वर्ष है वो अलग है, लेकिन सौर कैलेंडर को ये पूरी तरह से ये संकेत देता है कि हाँ 360 दिन के आसपास हैं, 365 दिन हैं भले, लेकिन जो 360 डिग्री की जो कायनात है ये उसके बारे में बहुत सटीक तरीके से बताता है, जहाँ पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन जो सबसे ठोस संकेत मिलते हैं काल गणना के, प्राचीन काल समय में काल गणना के जो सबसे ठोस संकेत मिलते हैं, वह मिलते हैं वेदांग ज्योतिष से। वेदांग ज्योतिष में वर्ष को एक युग माना है और उस युग की तुलना उन्होंने सूर्य के काल से भी की है, सूर्य काल गणना से भी की है, सौर काल गणना से भी की है। उसमें कहा गया है कि जो एक युग है वो 5 सूर्य की जो परिक्रमा हैं पृथ्वी करती है उसके बराबर है, यानी 500 वर्ष के बराबर है। और इसकी तुलना चंद्र से भी उन्होंने की है कि ये 67 चंद्रमाह के बराबर है, यानी 67 बार चंद्रमा जब सभी नक्षत्रों में से होकर गुजर जाता है तब एक युग बनता है, यानी 5 साल का एक युग बनता है। तो पहले का जो वर्ष था वो 5 साल के बराबर था। और 5 साल को अगर हम कहें, अगर किसी की आयु 6 वर्ष बताई जा रही है तो उसका मतलब है कि वो आयु 30 वर्ष है। और यहाँ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि प्राचीन काल में दीर्घायु होने के, लोगों के कई 100 वर्ष जीने के संकेत भी हमें मिलते हैं, प्राचीन ग्रंथों में हमें मिलते हैं। ये कैसे संभव था? आज इतनी सारी मेडिकल सपोर्ट के बाद हमारी औसत आयु 60 से 70 साल के बीच में है, और ये सारी सपोर्ट हटा दी जाए तो मुझे लगता है कि ये 20-25 साल से ज़्यादा नहीं होगी। तो तब ईसा से पहले, हजारों साल पहले, लोग कई 100 वर्ष कैसे जीते होंगे? तो इसका जो मुख्य कारण समझ में आता है कि जो प्राचीन व्यवस्था थी वो जंगल आधारित व्यवस्था थी। इतिहासकार ये कहते हैं कि आर्यों के आने के बाद, आर्यों ने कृषि शुरू की तो जंगल जलाने का जो काम हुआ कृषि योग्य भूमि तैयार करने के लिए, वो आर्यों के आने के बाद से शुरू होता है, आर्यों के स्थापित होने के बाद से। आने कहने विवादित हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग नहीं मानते हैं कि आर्य कहीं बाहर से आए। आर्यों के उद्भव हम शब्द कह सकते हैं कि जब वो पूरी अपनी सभ्यता को नियंत्रित करने की स्थिति में थे तब आर्यों ने जो तरीका अपनाया वो तरीका था कि हम कृषि आधारित व्यवस्था बनाएंगे, और इसके लिए जंगलों की सफाई की गई। तो जब जंगल जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, पर्यावरण के संतुलन बदले, तो औसत आयु में कुछ अवश्य ही गिरावट आई होगी। और ऐसी ही हमें बड़ी गिरावट दिखती है 18वीं सदी से 19वीं सदी से, जब औद्योगिक क्रांति आती है, जब धरती से खोद के कोयला भी बड़े पैमाने पर जलाना शुरू कर देते हैं। तो औसत आयु में जो गिरावट है उसका सीधा संबंध पर्यावरण से हो सकता है, पर्यावरण से है,
कि जब जंगल जलाए गए उसके बाद आयु में कुछ गिरावट आई और जो पुरानी आयु थी, जो पुरानी परंपराएं थी, जो समाज की जो बन चुकी थी, उसके हिसाब से आज के उस काल के 6 साल में शादी का मतलब था कि आज की जो 30 वर्ष हैं या 18 वर्ष हैं, कि अगर 88 नक्षत्र वाले कैलेंडर को देखते हैं तो ये मिनिमम 3 साल से लेके 5 साल तक का समय हो सकता है आज के समय के मुताबिक। उनका एक वर्ष आज के 3 से 5 वर्ष के बराबर प्राचीन एक वर्ष हो सकता है। तो उस काल में जो जिसे 6 वर्ष की आयु कहा जाता था वो आज की 18 से लेकर 30 वर्ष तक की आयु हो सकती है। इसके भरपूर संकेत हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। और 30 वर्ष की आयु में वो लोग शादी कर सकते हैं जिन्हें 200, 300, 400, 500 साल जो जीते हैं। तो अगर शतायु का कॉन्सेप्ट है तो 5 साल का अगर है तो मान लीजिए कि 500 साल का वो संभावना रखते थे कि मनुष्य जी सकता है, और अगर 3 साल के बराबर का है तो ये मान के चलिए कि वो 300 साल जीते होंगे। उनमें से कुछ लोग जो शतायु का को पूरा करते होंगे वो करीब 300 से 500 साल तक जीते होंगे, इस बात के संकेत मिल जाते हैं। भारत में पहला कैलेंडर ईसा से 3100 साल से ज़्यादा पहले शुरू हो गया था, इस बात के संकेत हमें मिलते हैं, जिसे कली युग कहा जाता है। असल में वो संभावना ऐसी है कि वो काली का युग हो सकता है, जब स्त्री सत्ता जो है मजबूत हुई और उसने समय की गणना करने पर जोर दिया, और यही काली युग जो है वो कालांतर में कली में बदला और फिर कल्प में बदल गया, और जिसके फिर अलग अलग अर्थ लोगों ने बनाने शुरू कर दिए। किसी ने इसको बुरा युग कहा, जो पुरुष प्रधान सत्ता थी उसे लगा कि महिलाओं के हाथ में सत्ता जा रही है, निर्णय की शक्ति उन्हें आपके पास जा रही है, तो उन्होंने इसे बुरा युग भी कहना शुरू कर दिया। बाद में कालांतर में जो आधुनिक संत हुए उन्होंने उसे कल युग करके कहा कि ये मशीनी युग है, और जाहिर है कि ये 18वीं सदी के 19वीं सदी के बाद ही ये शब्द आया होगा, कल युग यानी कि मशीनी युग। इसी तरह से अरब में भी ये कैलेंडर नहीं था जो अंग्रेजी कैलेंडर है जिसे हम मानते हैं। तो विवाद करने वालों को अध्ययन करना चाहिए। अरब का जो जलाली कैलेंडर है वो भी उमर खय्याम की देन है, वो भी 12वीं सदी का है, वो भी ईसा और पैगंबर के बहुत बाद का है। उससे पहले हिजरी कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर ईसा के करीब 600 साल बाद है, और वो भी पैगंबर के बाद ही शुरू होता है। तो जाहिर है कि वो परंपराएं कालगणना की वो परंपराएं पहले से तो मौजूद होंगी नहीं, अगर वो कैलेंडर नए लिए हैं, वो किसी प्रभाव में नए कैलेंडर बने हैं, तो वो कालगणनाएँ प्राचीन कालगणनाएँ ये कालगणनाएँ नहीं थीं। और इस तरह के बहुत से संकेत हैं कि बेबीलोन कैलेंडर का भी इस्तेमाल होता था अरब में, और मेसोपोटामिया का जो कैलेंडर था, तो सब जगह काल गणनाएं एक जैसी नहीं थी। तो नूपुर शर्मा जैसे नेताओं से, या और भी जो नेता हैं आज के पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं, या जो टीवी चैनलों पर ऊटपटांग बहस करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस तरह की बहस में पढ़ने से पहले, इस तरह के विवाद खड़े करने से पहले, इस तरह की कोई बातें करने से पहले, आप जरा इतिहास में उस काल में जाकर हो आइए, पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए कि उस काल में कौन सा कैलेंडर था और उस काल में एक वर्ष का क्या मतलब था। कुल मिलाकर ये विवाद जो है एक भ्रम से उपजा हुआ विवाद है, ये उन लोगों का खड़ा किया हुआ विवाद है जिन्हें अपनी जड़ों के बारे में नहीं पता है, जिन्हें अपने इतिहास के बारे में नहीं पता है, जो ये नहीं जानते हैं कि हमारे पास कालगणना के क्या क्या तरीके थे और उस समय उस दौर में कैसे कालगणनाएं होती थीं। वो आज को ही शाश्वत सत्य मानते हैं, वो ईसा के कैलेंडर को ही शाश्वत सत्य मानते हैं। उनके लिए वर्ष का मतलब जो है 365 दिन है, लीप ईयर में ये 366 दिन है, इससे ज़्यादा वो नहीं जानते हैं और ना जानने की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोगों को उनके विवेक पर छोड़ते हैं, और आज की हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये चर्चा आपको कैसे लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, एक ज़रूरी बात है कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, इसका कोई मोल नहीं लगता है।
बस इससे लाभ ये होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए बेल आइकन भी अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही, धन्यवाद।